आप सलमान सलमान भाई को आप पहले भी अप्रोच कर सकते थे पहले सीजन में, लेकिन इस सीजन में करने की क्या वजह? चाहते तो आप पहले सीजन का सलमान हिस्सा बन सकते थे, उसके लिए डेलिब्रेट कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था। उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी। आई वांटेड टू डू समथिंग। एक साइकोलॉजिकल होता है, खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार, क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं इस वजह से। तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था। एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो, बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई आप, हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा, मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर ये शो मैं कर लूंगा तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया, अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया, उसने पूछा भी मुझे व्हाई डिड यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन, नाउ आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी। सो सेकंड सीजन ही वाज मोर देन हैप्पी टू कम इन, तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन। एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा था कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता तो एक, अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन टू भी करेंगे, हम सीजन थ्री भी करना चाहते हैं, तो सीजन टू का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन टू में क्या, सीजन टू में सलमान, तो एक दैट आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।